तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द एजेंट्स और एजेंसीज विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. बट इन द प्रीवियस वीडियोज वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल. The mean is that they cannot move on their own from one place to another place. That is why they require some sort of agents or agencies for their transfer from one place to another place. दोनों के दोनों male as well as female gametes in case of angiospermic plants non-motile होते हैं, और इस वजह से इनको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज या एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन को हम थ्री मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑटोगैमी, ज़िगोटोगैमी एंड ज़ीनोगैमी. इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली एक बार दोबारा से समझें, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो मैंने आपको बताया था कि ये फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें ये जो अपर परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा इज एक्ट, स्टिग्मा जो है ये एक्ट करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन्स ड्यूरिंग द पॉलिनेशन. एंड जस्ट बिलो द स्टिग्मा यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टाइल, एंड द साइलेंट बेसल बल्ज पार्ट ऑफ अ पिस्टिल और कार्पेल इज ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओवरियन लॉक्यूल, एंड द इनसाइड द ओवरियन लॉक्यूल प्रेजेंट होगा इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल बोलेंगे, एंड विद इन द ओव्यूल प्रेजेंट होगा एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होगा एक सिंगल एग शेल जिसको हम क्या बोलेंगे फीमेल गैमेट. और यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है थैलमस जिसपे ये फ्लावर जो है वो टिका हुआ है, और इसके थर्ड नोड पे यहाँ पे एक वर्सेटाइल इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिलामेंट, एंड एट द एंड ऑफ फिलामेंट देयर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर. इसी तरीके से हम अगर दूसरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरीके से अपीयर होगा एक फ्लावर पॉट के जैसा, और यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है थैलमस, और थैलमस के थर्ड नोड पे यहाँ पे प्रेजेंट है फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट एंड एंथर दोनों को मिला के स्टैमेन, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पिस्टिल या कॉर्पल को. और जो स्टैमेन का ये पर्टिकुलर पार्ट है ये मेल फर्टाइल पार्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे मेल गैमेट्स या मेल गैमेटोफाइट्स जिसको हम बोलेंगे पॉलन्स. इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे पॉलन्स या मेल गैमेटोफाइट. और अगर एक बार एंथर मैच्योर हो गया तो एंथर बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेहिसेंस. एंड वंस दिस एंथर हैज डेहिसाइज्ड, अगर ये फट गया एक बार, इफ द एंथर इज गेटिंग डेहिसाइज्ड, सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे. अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये हो सकता है यहाँ पे लैंड करें, या फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हो सकता है यहाँ पे लैंड करें. यानी मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ पॉलन की फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल. और ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, इसकी तीन इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज हैं. मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा हो एंथर से, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, यानी कि यहाँ पे जैसे एक फ्लावर है इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का, तब इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी. लेकिन अगर इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे, और ये दोनों फ्लावर्स अगर सेम प्लांट के हैं, तब मैं इसको बोलूंगा ज़िगोटोगैमी,
और इसी प्रोसेस को हम जीनोगैमी बोल देंगे तब जब ये दोनों फ्लावर्स दो डिफरेंट प्लांट्स के होंगे। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ऑटोगैमी, ज़िगोटोगैमी एंड ज़िगोटोगैमी की। तीनों में ही कहीं ना कहीं से पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। अब डिपेंड कर रहा है कि इसका सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे तीन मेन कैटेगरीज हमने क्या किया, डिफाइन किया। लेकिन चाहे मैं बात करूं ऑटोगैमी की या ज़िगोटोगैमी की या मैं बात करूं किसकी, ज़िगोटोगैमी की, यहां पे जो पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है इसमें जो गैमेट्स हैं मेल गैमेट्स, या अगर मैं फीमेल गैमेट की भी बात करूं तो दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं तो नॉन मोटाइल ही हैं, तो नॉन मोटाइल ही। तो यहां पे जो मेल गैमेट है ये अपने आप यहां तो आ नहीं सकता है, किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू ये जाएगा एंथर से स्टिग्मा पे। लेकिन मैं अगर बात करूं स्पेसिफिकली ऑटोगैमी की, जहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे एक ही फ्लावर में, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। और ऑटोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं कि इनमें जो स्टैमेन और पिस्टिल का अरेंजमेंट है या जो इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ स्पेसिफिक मैनर में होता है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन होता है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स का, स्टैमेन और पिस्टिल का, कि पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करें, यानी कि यहाँ पे ऑटोगैमी को इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द चांस ऑफ ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करते हैं जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स की टेंडेंसी ये हो कि वो उसी फ्लावर के एंथर से रिलीज हों और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के गिर जाएं या लैंड कर जाएं। लेकिन अगर मैं बात करूं ज़िगोटोगैमी की, तो वहां पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना है पॉलन्स को, यदि कुछ ना कुछ दूरी तो तय करनी पड़ेगी, चाहे वो सेम प्लांट का हो चाहे डिफरेंट प्लांट का हो। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ज़िगोटोगैमी की, अगर मैं ज़िगोटोगैमी की बात करूं तो यहां पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये भी हो सकता है कि जो पॉलन्स हैं, पॉलन मे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है इनको एक लंबी दूरी तय करनी पड़े, एक प्लांट यहां है एक प्लांट मान लो दूर है कहीं। तो ज़िगोटोगैमी में और ज़िगोटोगैमी में तो होगा ही, यानी मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, या फिर अगर मैं बात करूं दो फ्लावर्स के बीच में और डिस्टेंस श्योरली प्रेजेंट होगी अगर मैं बात कर रहा हूं दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में। तो इन केस ऑफ ज़िगोटोगैमी, बट एक्सक्लूसिवली इन केस ऑफ ज़िगोटोगैमी, पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एजेंट्स फॉर देयर ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे नॉन मोटाइल है और नॉन मोटाइल है तो अपने आप जा नहीं सकते, यहाँ पे बहुत कम दूरी है। अगर मैंने आपको बताया था कि ये मान लो इधर घूम जाए तो यहाँ से रिलीज होगा तो इसी पे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है, या मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट है, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करनी पड़ेगी और अपने आप जा नहीं सकता, तो यहाँ पे श्योरली रिक्वायर्ड होगा कोई ना कोई एजेंट एजेंसी जो इन पॉलन को लेकर के जाए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, एक ही प्लांट के या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे दो डिफरेंट प्लांट्स के। एंड वी नो वेरी वेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। हमको बहुत अच्छी तरीके से ये बात अभी तक पता चल चुकी है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। And the agent or agency which helps in the process of transfer of pollen is termed as pollinating agency. इसी को हम लोग बोलेंगे pollinating agent या फिर इसी को बोलेंगे pollinating agency. तो मैं एक बार आखिरी बार आपको बता रहा हूं कि pollination क्या है. It is the process of transfer of pollen from the anther to the stigma of the pistil. इसको हम बोल रहे हैं pollination. और pollination में जो agent help कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। द मीन इज दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट, जो कि हेल्प करने वाले हैं किसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में, व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, इस पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज
एबायोटिक एजेंट एंड द सेकेंड वन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एबायोटिक एजेंट इज बायोटिक एजेंट। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, एक बायोटिक एजेंट और दूसरा एबायोटिक एजेंट। एज द नेम सजेस्ट, ए मतलब एब्सेंट, बायोटिक मतलब बायोस मतलब लाइफ, यानी एबायोटिक मतलब जहां पे लाइफ एब्सेंट हो, यानी मैं उन एजेंट्स की बात कर रहा हूं इस स्पेसिफिक कैटेगरी में जो कि कैसे हैं लाइफलेस हैं, और वी कैन से जो कैसे हैं नॉन लिविंग हैं, जो नॉन लिविंग है। और यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो एजेंट्स बायोटिक एजेंट्स होंगे वो श्योरली कैसे होंगे लिविंग एजेंट्स होंगे। तो ये तो हो गई बहुत कॉमन थिंग जो आपको हमेशा से समझ में आती है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रीफर बायोटिक एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन। मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रीफर करते हैं बायोटिक एजेंट्स को पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स को फॉर द पॉलिनेशन, व्हाइल एबायोटिक एजेंट्स आर लेस ट्रस्टेड बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बहुत कम या रेयरली प्रीफर करते हैं पॉलिनेशन के लिए किसको, एबायोटिक एजेंट्स को। इसका सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ जाएगा अगर बात आप ये समझ पा रहे हैं कि जो एबायोटिक एजेंट्स हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट एजेंट्स आएंगे, एक को मैं बोल रहा हूं विंड या एयर और दूसरे को मैं बोल रहा हूं यहां पे वाटर। वाटर तो या तो विंड या एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा या तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, किसमें, एबायोटिक एजेंट्स में। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एबायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पे मान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन्स हैं और इस पॉलन ग्रेन को या तो इस स्टिग्मा पे लैंड करना है या फिर इस स्टिग्मा पे लैंड करना है, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलन जो है या तो इस स्टिग्मा पे लैंड करें या फिर यहां पे इस स्टिग्मा पे लैंड करें, यानी उनको इस डायरेक्शन में जाना है। और ये जा रहे हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू, या जा रहे हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो एयर और वाटर की किस की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होती नहीं है, इनके पास कोई सेंस तो है नहीं कि इनको पता है कि हमको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉलन का ट्रांसफर करना है, ऐसा कोई कॉन्शियस तो इनके पास है नहीं। तो सपोज पॉलन ग्रेन या पॉलन्स को जाना इधर है एंड द विंड इज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, और विंड जो है या वाटर करंट जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन को जाना है इस डायरेक्शन में और ये पॉलन ग्रेन अगर एयर या वाटर के थ्रू जा रहे हैं तो वाटर या एयर इस डायरेक्शन में, वाटर करंट या एयर वेलोसिटी या विंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो क्या आप ये बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि जो ये पॉलन है इधर ना आकर के इधर चले जाएंगे। यदि मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे पॉलन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बाय द एयर और बाय द वाटर डिपेंड करेगा चांस फैक्टर पे, ये जा भी सकता है या फिर नहीं भी जा सकता है। दैट इज व्हाई एबायोटिक एजेंट्स आर लेस ट्रस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज। यहां पे बहुत ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे हैं या मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो इस पे भरोसा नहीं करते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन करना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन की तो यहां पे आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है ये पॉलिनेशन के लिए तो बने नहीं है कि ये पॉलिनेशन करा रहे हैं, एनिमल्स हो या फिर कोई भी बायोटिक एजेंट है ये विलिंगली या एक्टिवली पॉलन का ट्रांसफर नहीं करते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, पैसिवली धोखे से पॉलिनेशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो एनिमल्स हैं या जो बायोटिक एजेंट्स या फिर स्पेसिफिकली हम बोले जो एनिमल्स हैं इनके पास कुछ मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी होगी जैसे कि कॉन्सियसनेस, इनको पता है कि हमको किस फ्लावर पे जाना है। एक्चुअली ये फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं नेक्टर के सर्च में, यानी कि नेक्टर को ढूंढने के लिए, कुछ एडिबल पार्ट्स ढूंढने के लिए, अंडे देने की पोजीशन सर्च करने के लिए, तो अपने काम से ये टहल रहे हैं फ्लावर टू फ्लावर। तो इनको ये बात तो पता है कि हमको किस फ्लावर पे जाना है,
तो फॉर श्योर ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव करते रहेंगे, या तो ये नेक्टर को ढूंढने के लिए, या एडिबल स्ट्रक्चर पार्ट ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए, या फिर कहीं अंडे देने के लिए। तो अगर ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फ्लावर पे डिपेंडेंट है तो फ्लावर पे जाएंगे ही, एक फ्लावर पे नहीं बहुत सारे फ्लावर पे मूव करेंगे, तो फॉर श्योर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। द मीन इज दैट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन इज फार मोर हाई और बेटर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट देन इन केस ऑफ बायोटिक एजेंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एबायोटिक एजेंट। हमने ये कहा कि जो चांस ऑफ फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन है ये ज्यादा है या बहुत ज्यादा है कह सकते हैं किसके थ्रू, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर टू फ्लावर मूवमेंट जो है बायोटिक एजेंट का वो होना ही होना है उनको, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर क्या जाएंगे एनिमल्स या कोई भी बायोटिक एजेंट मूव कर रहा है तो पॉलिन का ट्रांसफर करेगा फॉर श्योर, और अगर पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट इज वाई यहाँ पे फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा तभी जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे किसमें, बायोटिक एजेंट्स में, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू। तो इस वजह से दैट इज वाई इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो प्रिफर करते हैं बायोटिक एजेंट्स को फॉर द पॉलिनेशन। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ गई कि दो तरीके के या दो मेन कैटेगरीज होगी किसकी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एजेंट को ज्यादा प्रिफर करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फॉर द पॉलिनेशन, जबकि एबायोटिक एजेंट्स को बहुत कम प्रिफर करेंगे या रेयरली प्रिफर करेंगे। और इसमें विंड या वाटर दो एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, अगर मैं बात कर रहा हूं एबायोटिक एजेंट की कैटेगरी की। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, पहली चीज तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक में ज्यादा कॉमन कौन है, बायोटिक, ज्यादा कॉमन कौन है, बायोटिक। लेकिन अगर हम एबायोटिक में विंड और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन है ये मोर कॉमन है अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशंस। एबायोटिक पॉलिनेशंस में पॉलिनेशन बाय द एयर इज मोर कॉमन दैट ऑफ पॉलिनेशन बाय वाटर। ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे जो विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन है, तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म में यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज एनीमोफिली। द मीन इज दैट पॉलिनेशन बाय विंड और एयर इज एनीमोफिली, व्हाइल द पॉलिनेशन बाय वाटर इज हाइड्रोफिली। इसको मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोफिली, हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, वाटर के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनीमोफिली इन सम डिटेल और पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स के लिए हम लोग सेपरेट वीडियोस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड और एयर, दैट इज एनीमोफिली। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, नॉन लिविंग के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन का। और दो इंपॉर्टेंट एजेंट्स जो एबायोटिक की कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें से एक विंड है और एक क्या है, वाटर है। और बायोटिक और एबायोटिक में बायोटिक जो है वो मोर कॉमन है, लेकिन अगर एबायोटिक में हम वाटर और विंड को कंपेयर कर रहे हैं तो पॉलिनेशन बाई वाटर इज मोर कॉमन देन दैट ऑफ पॉलिनेशन बाई वाटर। तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन है बजाय कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। बाद में समझ में आ जाएगा कि इनका जो अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है ये। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहली कैटेगरी, दैट इज पॉलिनेशन बाई एयर, एनीमोफिली। एनीमोफिली तो एनीमोफिली में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है, पॉलिनेशन बाय एयर, एयर या फिर कह सकते हैं विंड के थ्रू पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे एनीमोफिली, एनीमोफिली। और ये मोर कॉमन मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन है अमंग
among abiotic pollination or abiotic agents. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है वो ये कि ये मोस्ट प्रिमिटिव मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन है और वी कैन से ये फर्स्ट इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ क्या है पॉलिनेशन है. तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखना है. एनिमोफिली में पॉलिनेशन बाय एयर और विंड इज एनिमोफिली. सेकेंड पॉइंट इज इट इज मोर कॉमन मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशंस और ये मोस्ट प्रिमिटिव मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन है या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ क्या है पॉलिनेशन है. ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं. और अगर हम बात करें एनिमोफिली जिन प्लांट्स में हो रही है उन प्लांट्स के स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक या फीचर्स की, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की जहाँ पे एनिमोफिली हो रही है, आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल अबाउट द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, लेकिन कम से कम हमको एक बेसिक आइडिया या आउटलाइन समझ में आनी चाहिए कि जो प्लांट्स हैं जो प्रिफर कर रहे हैं पॉलिनेशन बाय एयर वो दिखने में कैसे होते होंगे, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, या कौन कौन से ऐसे एडॉप्टिव स्ट्रक्चर होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में या फ्लावर में जो इंश्योर करें पॉलिनेशन बाय एयर. तो ये अपने लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे आपको सोचना है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है कि कैसे होते होंगे वो फ्लावर्स या कैसे होते होंगे पॉलिन्स या क्या इनमें स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या स्पेशल फीचर या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसकी वजह से पॉलिनेशन एयर के थ्रू आसान हो सके. तो यहाँ पे एनिमोफिली फ्लावर या एनिमोफिलस फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो फ्लावर के चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टिल. तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. और रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर मैं स्टेमेन की बात करूँ तो स्टेमेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम फर्टाइल पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एंथर, जो कि बाइलोब्ड होगा. और ये बाइलोब्ड एंथर थैलेमस से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ वर्सेटाइल इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर. और इस वर्सेटाइल इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ फिलामेंट. तो अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टेमेन, तो स्टेमेन में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूँ फिलामेंट, फिलामेंट. और ये जो फिलामेंट है इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, ये होना चाहिए एक्सपोज्ड पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से एक्सपोज्ड होना चाहिए इन द एयर, क्योंकि अगर हवा खूब तेज से बह रही है तो यहाँ पे एक फोर्स या प्रेशर लगना चाहिए इस फिलामेंट पे. अगर ये खुला होगा एयर में या इन्वायरमेंट पे तभी ये प्रेशर लग पाएगा या हवा उस पे अच्छी तरीके से टकरा पाएगी, जिसकी वजह से ये हिल जाएगा. वर्सेटाइल है, ये मूव करता रहेगा इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से ये जो जर्क या फोर्स है वो रिफ्लेक्ट होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंथर, जिसकी वजह से हो सकता है एंथर अगर मैच्योर हो गया है तो वो फट जाए, यानी इसका डेहिसेंस हो जाए, क्योंकि इस एंथर के अंदर यहाँ पे बन रहे हैं बहुत सारे मेल गैमेटोफाइट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलेंस और पॉलन ग्रेन्स. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं पॉलेंस. इफ दिस मैच्योर एंथर हैज डेहिसाइज, अगर इसने खूब तेजी से इसको हिला दिया तो हो सकता है ये फट जाए या फिर डेहिसेंस हो जाए और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे. यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर के डेहिसेंस के बाद, if this anther is getting dehiscized, all the pollen grains are released out of the anther. ये सारे के सारे pollen grains release हो जाएंगे. अब अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे जितने भी pollens हैं ये हवा के साथ उड़ जाएं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि जितने pollens release हुए हैं इसको हवा उड़ा ले जाए अपने साथ, ये हवा के साथ उड़ जाएं, तो खुद सोच के देखिए कि इनके पास क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या फीचर्स होने चाहिए जो इनको मदद करें एयर के साथ फ्लो होने में या उड़ने में. तो आपको बहुत आसानी से ये सारे फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स इनके समझ में आ जाएंगे कि पहली चीज़ तो अगर हम चाहते हैं कि ये पॉलेंस हवा के साथ उड़े आसानी से तो इनका वेट बहुत कम होना चाहिए, इनका वेट बहुत कम होना चाहिए, अदरवाइज जैसे ही ये रिलीज होंगे आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर उसी जगह पे गिर जाएंगे, एयर के साथ ये फ्लो नहीं कर पाएंगे. तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के फीचर तो ये होना चाहिए कि इट शुड बी लाइट वेटेड, यानी कि ये लाइट वेट होने चाहिए. और दूसरी चीज ये विंग्ड होने चाहिए. विंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ,
विंग विंग मतलब पंख जैसे कुछ बहुत माइन्यूट, या कह सकते हैं कि बहुत पतले पतले कुछ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होनी चाहिए जो इनको उड़ने में हेल्प करें, यानी विंग लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए। ये भी हेल्प करेगी इनको वाटर एयर के साथ फ्लो होने में। तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर इसमें ये होना चाहिए कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इट शुड बी नॉन स्टिकी, ये नॉन स्टिकी होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉलन्स रिलीज हुए हैं मैं चाह रहा हूँ कि ये हवा के साथ आसानी से उड़े, तो ये नॉन स्टिकी होने चाहिए, ये किसी से चिपक नहीं जाने चाहिए। जैसे कि जैसे ये रिलीज हुए हो सकता है अगर ये स्टिकी नेचर के होंगे तो इस एंथर के सर्फेस पे एडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, या किसी दूसरे सबस्ट्रेटम के सरफेस से जाके एडहेयर हो जाएंगे। अगर नॉन स्टिकी होंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इट शुड बी पॉलन्स जो हैं इट शुड बी नॉन स्टिकी इन नेचर, ये नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि ये आसानी से एयर के साथ क्या हो तो फ्लो कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एक बात ये आप समझिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल हमको याद ये रखना है कि चांस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है पॉलिनेशन बाई ए बायोटिक एजेंट्स, और वी कैन से पॉलिनेशन बाई विंड और एयर। तो सपोज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है पॉलेंस को और हवा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉलन ग्रेन्स पहुंच ही नहीं पाएंगे स्टिग्मा तक। यानी मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉलेंस अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं स्टिग्मा तक पहुंचने के पहले ही, क्योंकि यहां पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड फ्लो डिसाइडेड नहीं है जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉलेंस का ट्रांसफर होना है। तो पॉलेंस को लेकर के हवा किसी दूसरी डायरेक्शन में अगर उड़ जा रही है तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी लूज हो जाएगी कि वो स्टिग्मा तक पहुंचे उससे बहुत पहले ही। तो अब प्लांट क्या करेगा, बहुत नंबर में पॉलेंस प्रोड्यूस करेगा कि कम से कम कुछ या एक तो पहुंच सके स्टिग्मा तक, जस्ट टू इंश्योर द चांस ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो जो एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, जस्ट टू इंश्योर द चांस ऑफ पॉलिनेशन प्रोड्यूस पॉलेंस इन न्यूमेरस क्वांटिटी, और वी कैन से इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर में क्या करेंगे ये पॉलेंस को प्रोड्यूस करेंगे। और आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये बन रहे होंगे किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम में, और माइक्रोस्पोरेंजियम की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होगी स्टोरेज की, एक लिमिटेड स्पेस होगा उसके अंदर, और यहाँ पे हमको थाउजेंड्स नहीं मिलियंस लैक्स ऑफ पॉलेंस प्रोड्यूस करने हैं। आपको एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, मैं फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि कैनाबिस प्लांट होता है, मैरिजुआना या भांग जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स 5 लाख पॉलन रिलीज होते हैं एट अ टाइम जस्ट टू एंश्योर द चांस ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि वहां पे विंड के साथ फ्लो हो रहा है पॉलन ग्रेन्स और पहुंचने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि चांस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेज की, तो मेज में 10 to 25 million पॉलन्स प्रोड्यूस होते हैं एट द सेम टाइम ओनली जस्ट टू एंश्योर द चांस ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे भी अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलेंस जो है वो लॉस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं बिफोर रीचिंग टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचने से बहुत पहले ही। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ या लैक्स ऑफ पॉलेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत है प्लांट्स को ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। तो यहाँ पे नंबर ज्यादा होगा इनका, और अगर नंबर ज्यादा होगा तो एक लिमिटेड स्पेस में, मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम की एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी स्टोरेज की, तो अगर उसमें थाउजेंड्स नहीं लैक्स नहीं मिलियंस पॉलेंस प्रोड्यूस करने हैं प्लांट्स को, तो पॉलेंस के साइज को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा पैक हो सकते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। यानी कह सकते हैं कि पॉलेंस जो है ये स्मॉल साइज्ड होंगे, ये साइज में बहुत क्या होंगे, छोटे होंगे, और एक बहुत छोटे 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 डस्ट के जैसे अपीयर होंगे ये। यानी कि जो पॉलेंस हैं इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर ये कैसे होते हैं, डस्टी पॉलेंस होते हैं, और यही पॉलेंस हैं जो कॉज करते हैं पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जीज। मैंने आपको बताया था कि पॉलेंस जो है वो
हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, अगर वो डस्ट के साथ या डस्ट के तरीके से विंड के साथ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे अफेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह, तो ये जैसे हेयर फीवर वगैरह। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यही वो पॉलेंस होते हैं जो मेजोरिटीज ऑफ द पॉलेंस यही होते हैं जो पॉलन एलर्जीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं इसके लिए, पॉलेंस के लिए जो कि एनिमोफिलस फ्लावर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कॉर्पल, तो ये इस तरीके से फ्लावर पॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये जो अपर मोस्ट परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है विच एक्ट्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलेंस ड्यूरिंग द पॉलिनेशन इज टर्म्ड एज स्टिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा है इस पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे। अगर ये पॉलेंस आ रहे हैं एयर के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एयर के थ्रू पॉलेंस जो आएंगे वो चांस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे कि वो स्टिग्मा पे लैंड करें। और अगर ऐसी स्टिग्मा साइज में भी छोटी हो जाए तो और टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि पॉलेंस इस पे लैंड कर सके। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये सपोज इसका डायमीटर है, इसका कोई फिक्स्ड सरफेस एरिया होगा, और मान लो इन पॉलन ग्रेन्स को इस पे लैंड करना है, इन पॉलन ग्रेन्स को इस पे लैंड करना है इस तरीके से, तो जो पॉलेंस इधर चले गए या फिर इधर चले गए वो तो इस स्टिग्मा पे आ ही नहीं पाएंगे। तो होता क्या है कि ये जो स्टिग्मा है ये बहुत ब्रॉड होगी, स्टिग्मा इस तरीके से बहुत ब्रॉड होगी इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरीके से बहुत बड़ी स्टिग्मा इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टिग्मा है इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर ब्रॉड होगी, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं लार्ज होगी, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो सके, ज्यादा हो सके और पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा क्या हो सके, बढ़ सके, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, यानी कि इसका ब्रॉड स्टिग्मा होता है इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टिग्मा जो है ये फेदरी होगा। फेदरी का मतलब ये है कि इसमें टीनी स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स या प्रोजेक्शंस निकले होंगे। जैसे कि सपोज ये स्टिग्मा है, तो ये स्टिग्मा है सपोज, और ये बहुत सारे पॉलेंस इधर विंड के साथ फ्लो हो रहे हैं इधर से इधर, तो अगर ये स्टिग्मा इस तरीके से इरेक्ट होगी सिंगल, तो इसमें चूंकि ये नॉन स्टिकी है तो यहाँ पे भी नहीं चिपकेंगे नहीं रुकेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आते हैं इसमें, ताकि ये जो पॉलेंस हैं वो इसमें आसानी से ट्रैप किए जा सके। तो अगर आप कॉर्न का प्लांट देखे हों तो द टेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन कॉर्न आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल होंगे विच वेव इन द विंड और एयर जस्ट टू ट्रैप द पॉलेंस, जो एयर में हिलते रहते हैं या फिर मूव करते रहते हैं ताकि पॉलेंस को कैच कर सके या आसानी से ट्रैप कर सके। तो मैं ये कह रहा हूं कि फेदरी स्टिग्मा में हमको एक एग्जांपल याद रखना है कि जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न में जो टेसल्स हैं ये स्टिग्मा और स्टाइल हैं, और ये स्टिग्मा और स्टाइल दोनों करते क्या है, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है किसके थ्रू, एयर के थ्रू या विंड के थ्रू, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्टिग्मा पे। और तो और पूरा का पूरा पिस्टिल या कॉर्पल भी एक्सपोज होना चाहिए एयर में, ताकि आसानी से उस पर लैंडिंग हो सके किसकी, पॉलेंस की। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, तो जो द बेसल और साइलेंट पार्ट ऑफ द पिस्टिल और कॉर्पल जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओवरी, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी। एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओवरियन कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरियन लॉक्यूल, और ओवरियन लॉक्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, और इस इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल तो यहाँ पे ये जो ओव्यूल है, एक ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जनरली ओवरी हैज सिंगल ओव्यूल इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। ये भी घूम फिर के वहीं पे बात आ जाती है, क्योंकि चांस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे पॉलिनेशन। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलिन स्टिग्मा पे आए ही, यहाँ पे बहुत कम पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं, वायबिलिटी को लूज कर देते हैं बिफोर रीचिंग टू द स्टिग्मा। तो बहुत कंडीशन में तो हो सकता है एक ही पॉलिन आ सके, तो यहाँ पे अननेसेसरली बहुत सारे ओव्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारे फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेचर ने इस वजह से एनिमोफिलस फ्लावर में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल दिया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखना है कि इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर ओवरी हैज अ सिंगल ओव्यूल, यहाँ पे एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये तो बात हो गई किसके, स्टैमेन की और पिस्टल की। अगर हम ओवरऑल बात करें किसके, फ्लावर्स की, एनिमोफिलस फ्लावर्स की, तो और भी दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट नोट की बात करें तो वहां पे प्रेजेंट होगा सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल को बोलेंगे कैलिक्स, जो कि ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बड स्टेज में। लेकिन अगर सेकेंड नोट को अगर आप याद करें तो सेकेंड नोट पे प्रेजेंट होते हैं कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर टर्म्ड एज पेटल्स, एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कोरोला। जो कोरोला है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर द पॉलिनेशन। कोरोला का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन। तो जो कोरोला है या पेटल्स हैं, इन्हीं की वजह से किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर का कोई एक यूनिक कलर होता है, यूनिक फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं या स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, और उनका एक यूनिक शेप या साइज होता है। यानी कह सकते हैं कि फ्लावर में पेटल या कोरोला जितना ज़्यादा डेवलप्ड होंगे उतना ब्राइट कलर्ड फ्लावर होगा, उतना ज़्यादा फ्रेगनेंस प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल दिखाई देगा। और ये जो फ्लावर की ब्यूटी है ये इसलिए नहीं है कि हमको अच्छे लगे, ये फ्लावर्स अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते ही इसलिए हैं कि पॉलिनेटर्स को ये अट्रैक्ट करें फॉर द पॉलिनेशन। तो हमें खुश रखने के लिए फ्लावर्स अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलिनेटर्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो हैं वो एक स्पेशल शेप या स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं अपना, यानी कि एक फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं, यूनिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, ताकि पॉलिनेटर्स उससे विजिट करें, एनिमल्स उस पर विजिट करें। तो यहाँ पे किसी एनिमल के थ्रू तो हो नहीं रहा है, किसी बायोटिक एजेंट के थ्रू तो हो नहीं रहा है, जिसके पास कॉन्शियस है, जिसको समझ में आ रहा है कौन ब्यूटीफुल है कौन ब्यूटीफुल नहीं है, किस पे हमको विजिट करना है किस पे हमको विजिट नहीं करना है। यहाँ पे एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, एयर को तो अट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं कि जो फ्लावर है वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप करेगा, ब्यूटीफुल बनाएगा ताकि एयर आए हमारे ऊपर बैठे, ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी कि एयर को यहाँ पे अट्रैक्ट करने या वाटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे जो कोरोला है या जो पेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होंगे। यानी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर कोरोला और पेटल्स आर लेस डेवलप्ड, वेरी लेस डेवलप्ड, बहुत कम डेवलप्ड होंगे। तो इनका कोई पर्टिकुलर कलर भी नहीं होगा। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स आर जनरली वाइट इन कलर, वाइट कलर्ड फ्लावर होंगे, और भी कैसे ये कलरलेस होंगे, कैसे होंगे ये कलरलेस होंगे, यानी कोरोला और या पेटल्स के लेस डेवलपमेंट की वजह से इनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होगा, ये व्हाइट कलर्ड या फिर कलरलेस होंगे। और अगर पेटल्स या कोरोला बहुत कम डेवलप्ड हैं तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फ्रेगनेंस भी नहीं प्रोड्यूस करेगा ये, यानी कि ओडोरलेस भी होंगे, कैसे होंगे ये ओडोरलेस होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसको टिपिकल नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे इसको अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और रटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। तो कभी भी किसी चीज़ को खुद से सोचने की कोशिश किया करो, ताकि हमको वो याद रहे, उसको हम रिकॉल कर सकें जब ज़रूरत पड़े। तो ऐसा नहीं कि हम रटे बैठे हैं ये फ्लावर ऐसा होगा वो फ्लावर ऐसा होगा, मिक्स कर दिए उसको जब हमें कहीं लिखना है या फिर कहीं उसको आंसर करना है। तो सिंपली आपको सोचना है कि कैसे होते होंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पॉलेंस कैसे होने चाहिए, स्टिग्मा या फिर पिस्टिल कैसी होनी चाहिए पूरी की पूरी। इसी तरीके से आपको समझ में आ जाना कि जाना चाहिए कि यहाँ पे अट्रैक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो पेटल्स या फिर कोरोला ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे।
और अगर ऐसा है तो कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर स्मेल या फ्रेगनेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये कलरलेस वाइट कलर्ड होंगे या फिर इसमें ओडोरलेस जैसी सिचुएशन होगी, तो ये सारी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। तो इतनी सी बात हमको याद रखना है कि इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर के लिए यानी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, यानी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स के, तो एनिमोफिली या पॉलिनेशन विंड के थ्रू या एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट प्रिमिटिव या फर्स्ट इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो पॉलिनेशन है बाय द विंड और एयर, यानी जो एनिमोफिली है, ये हमको देखने को मिलेगी सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में। जैसे कि एग्जांपल हम याद रख सकते हैं पाइनस। तो पाइनस जो है वो हिली एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हिली एरियाज है तो यहाँ पे पाइनस का प्लांट प्रेजेंट है। और ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, इसको हम लोग इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो पाइनस का प्लांट है, इसके जो पॉलेंस होते हैं वो येलोइश कलर या गोल्डन कलर के होंगे, और ये इतना ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, इतनी न्यूमरस क्वांटिटी होती है इनके प्रोडक्शन की, कि जब ये रिलीज होते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट की तरफ से, ऐसा लगता है कि जो पॉलन का क्लाउड है पूरा वो येलोइश यानी कि गोल्डन कलर या येलो कलर के पूरे बादल के जैसा अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लगता है कि जो बादल है वो अर्थ की तरफ आ रहा है येलो कलर का या फिर गोल्डन कलर का। एक्चुअली ये पॉलन क्लाउड है किसके, कोनीफेरस फॉरेस्ट में प्रेजेंट पाइनस प्लांट के, इतने ज्यादा नंबर में ये प्रोड्यूस करते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फिनोमेनन ऑफ सल्फर शोवर या फिर फिनोमेनन ऑफ गोल्डन डस्ट, जो कि पाइनस प्लांट के लिए हमको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमें याद रखना है एनिमोफिली जहां पे प्रेजेंट होगी पोएसी फैमिली में। पोएसी फैमिली को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ग्रास फैमिली, यानी जिसमें ग्रासेस आती हैं। एंड द पॉलिनेशन बाय विंड इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ग्रासेस में एनिमोफिली बहुत कॉमन होती है, यानी कि ग्रासेस में, मोस्ट ऑफ द ग्रासेस में पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू, विंड या एयर के थ्रू। इसी तरीके से ग्रैमिनी फैमिली की अगर बात करें, सीरियल फैमिली जिसमें जैसे कि कॉर्न मेज वगैरह आते हैं, तो इसमें भी पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू, विंड या एयर के थ्रू, विंड या एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। इसी तरीके से एक और प्लांट का नाम हमको याद रखना है यूट्रिका। यूट्रिका में जो पॉलेंस रिलीज होते हैं ये फोर्सफुली रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंथर, और ये डस्ट के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी गन से डस्ट निकल रही है, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। किसमें प्रेजेंट होगी, यूट्रिका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखना है जिम्नोस्पर्म में, जैसे कि पाइनस में इसमें सल्फर शोवर मैकेनिज्म प्रेजेंट होगी, फिनोमेना प्रेजेंट होगा ओएसी। ये एग्जांपल कम से कम हमको याद रखना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पॉलिनेशन बाय विंड इज क्वाइट कॉमन इन केस ऑफ ग्रासेस, ग्रास में या पोएसी फैमिली के मेंबर्स, ग्रासेस जितनी होती हैं इसमें कौन से एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, विंड या एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो इतनी सी बात सिर्फ हमको पता होनी चाहिए अबाउट एनिमोफिली। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर।